सभी खबरों से जुड़ी किसी भी छोटी या बड़ी अपडेट को पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल खबरी चौखट को, और किसी भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि हम रखते हैं चप्पे चप्पे। सीपीआई नेता और जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार जल्द ही कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। जी हां, कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक कन्हैया लगातार कांग्रेस के संपर्क में हैं और उन्होंने राहुल गांधी से मुलाकात कर ली है। वहीं गुजरात के विधायक जिग्नेश मेवाणी भी कांग्रेस नेतृत्व के संपर्क में हैं। कांग्रेस ने पिछले विधानसभा चुनाव में उत्तरी गुजरात के बनासकांठा जिले की बड़गाम सीट से उम्मीदवार नहीं उतारकर मेवाणी की मदद की। कांग्रेस इन दोनों ही नेताओं को पार्टी में शामिल कर उन युवा नेताओं की कमी पूरा करना चाहती है जिन्होंने हाल ही में पार्टी छोड़ी है। कन्हैया कुमार से जुड़े करीबी सूत्रों के मुताबिक भाकपा यानी कि सीपीआई में वो घुटन महसूस कर रहे हैं। उन्होंने मंगलवार को राहुल गांधी से मुलाकात की थी। ऐसा माना जा रहा है कि कन्हैया कुमार बहुत जल्द कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। कन्हैया कुमार के सीपीआई छोड़ने की खबरों के बारे में जब सीपीआई महासचिव डी राजा से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इस संबंध में उन्होंने भी खबरें सुनी हैं। उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि वो इस महीने की शुरुआत में हुई पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल हुए थे। उन्होंने बैठक में अपनी बात रखी और कई मुद्दों पर अपने विचार भी साझा किए। कांग्रेस सूत्रों की माने तो कन्हैया कुमार बिहार की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाना चाहते हैं। कांग्रेस पिछले 3 दशकों से बिहार में काफ़ी ख़राब प्रदर्शन कर रही है। पिछले साल हुए विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने आरजेडी और सीपीआई के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 70 में से 19 पर ही जीत हासिल हुई थी, जबकि आरजेडी ने 144 में से आधी सीटों पर जीत हासिल की, जबकि सीपीआईएमएल ने 19 में से 12 सीटों पर जीत हासिल। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक पार्टी का मानना है कि कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवाणी के शामिल होने से दोनों ही राज्यों में कांग्रेस को ताकत मिलेगी। पिछले 2 सालों में कई युवा नेताओं ने पार्टी का साथ छोड़ा है, इसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया, सुष्मिता देव, जितिन प्रसाद और प्रियंका चतुर्वेदी का नाम शामिल है। कन्हैया कुमार अगर कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं तो पार्टी उन्हें उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र में प्रचार के लिए उतार सकती है। बता दें कि सपा और बसपा ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि वो उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के साथ हाथ नहीं मिलाएगी। ऐसे में कांग्रेस के लिए कन्हैया कुमार का आना एक जड़ी बूटी साबित हो सकता है। खबरी चौखट की रिपोर्ट।